भगवान की कथा को चलते चलते आज ये पंचम दिवस है। गंगा मैया के पावन पवित्र तट पर बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन परीक्षित को भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, कल के बारे में आप लोगों ने सुना था किस तरह से भगवान 12 कलाओं से अवतरित होकर आए और भगवान ने सूर वंश में अवतार धारण किया। भगवान ने जब सूर के वंश में अवतार धारण किया था तो भगवान के दर्शन के लिए देवता उमड़ने लगे, लंबी भीड़ लग गई, भेष बदल बदल कर देवता आए, देवियां आई भगवान के दर्शन करने के लिए। बादल उमड़ने लगे हैं, चंद्रमा ने बादलों से कहा है कि बादलों हट जाओ और हमें भी भगवान को देखने दीजिए, तो बादल नहीं हटे। और जब बादल नहीं हटे हैं तो चंद्रमा उदास हुआ है, चंद्रमा जब उदास हुआ है तो भगवान राम ने कहा था कि चंद्रमा अभी तो मैं मर्यादा के बंधन में हूं, सूर्य वंश में हमने अवतार धारण किया है, द्वापर के चौथे चरण में जब मैं कृष्ण बनूंगा तो मैं तुम्हारे चंद्र वंश में अवतार लेके आऊंगा। चंद्रमा कहने लगा प्रभु अभी तो त्रेता चल रहा है, त्रेता के बाद में द्वापर आएगा, द्वापर का चौथा चरण आएगा, तब तक हम कैसे रहेंगे। तो भगवान ने चंद्रमा को खुश करने के लिए अपने नाम से चंद्रमा का नाम जोड़ा है, इसलिए भगवान को कहते थे रामचंद्र। भगवान ने चंद्रमा का नाम जोड़ा। अभी आप लोग चंद्र वंश की ही कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए आयु, उनके हुए पूर्वा, पूर्वा के हुए महाराज नहुष, महाराज नहुष के पुत्र हुए थे अयाति। इन्हीं अयाति महाराज की अभी आप लोग कथा सुन रहे थे किस तरह से ब्राह्मण की बेटी शुक्राचार्य जो ब्राह्मण थे उनकी कन्या देवयानी का विवाह कैसे हुआ। जो देवयानी थी देवयानी शर्मिष्ठा और देवयानी में बहुत बड़ा प्रेम था। देवयानी और शर्मिष्ठा जब सरोवर में स्नान करने के लिए गई हैं, लेकिन सरोवर पर जाकर झगड़ा हो गया किसी विवाद को लेकर और राजा की लड़की शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का मार दिया। देवयानी अंधे कुएं में तड़पती रही। महाराज याति ने जब देखा है तो देवयानी को कुएं से बाहर निकाला, परिचय पूछा है आप कहां की रहने वाली हो, क्या नाम है तुम्हारा, तो देवयानी ने बताया कि हमारा नाम देवयानी है, शुक्राचार्य ब्राह्मण की मैं कन्या हूं। तो महाराज याति कहने लगे हैं शुक्राचार्य तो बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, एक विद्वान ब्राह्मण की बेटी
कुएं में तड़प रही है। ऐसी गंदी लड़कियों के साथ कभी मत आया करो। घोड़ा पर सवार हुए हैं और घोड़ा पर सवार होने के बाद में महाराज याति जैसे चलने के लिए उद्यत हुए, देवयानी घोड़ा के सामने खड़ी हो गई और जवाब दिया, महाराज कुएं से आपने निकाला है तो मेरे आत्मा से आवाज आ रही है कि मैं तुम्हें अपना पति बना लूं। और देवयानी ने महाराज याति से एक बात कही, के कुवटा से हमें निकारो है और तुमने ही कही कलाई है, गवाही दे रही है तुम्हें दुल्हा ने बनाई है। देवयानी कहने लगी, महाराज अगर आप ना आते तो मैं कुएं में तड़प तड़प के मर जाता, इसलिए मेरे आत्माओं से आवाज निकल रही कि मैं तुम्हें अपना पति बना लूं। महाराज याति कहने लगे, पागल हो गई हो तुम, ब्राह्मण की कन्या हो और मैं क्षत्रिय वंश का राजा हूं, तुम्हारी शादी हमारे साथ कैसे हो सकती है। देवयानी कहने लगी, महाराज एक बात बताऊं क्या, समझाकर जवाब दिया है कि ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय कुल में चली जाएगी तो ब्राह्मण की इज्जत घटेगी नहीं, बल्कि ब्राह्मण की इज्जत और बढ़ जाएगी। ब्राह्मण की इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। महाराज याति ने कहा, आखिर आप हमारे साथ ही शादी क्यों करना चाहती हैं? शुक्राचार्य ब्राह्मण किसी ब्राह्मण के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। तो देवयानी कहने लगी है, महाराज ब्राह्मण हमारे साथ शादी नहीं करेगा। क्यों? बृहस्पत देव के पुत्र कच ने हमें श्राप दे दिया है कि हमारे साथ में कोई भी ब्राह्मण शादी नहीं करेगा, इसलिए आप हमें अपना लीजिए। देवयानी महाराज याति को लेकर गई है शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में। शुक्राचार्य ने जैसी देवयानी को देखा है तो जवाब दिया है, बेटी कहां रही तुम सारी रात, तुम्हारी याद में हमें सारी रात नींद नहीं आई, और ये हट्टा कट्टा सा जो जवान है ये कौन है तुम्हारे साथ में? और ये देवेंद्र ठेकेदार और आलोक की तरफ से हमें ये 500 मुद्राओं से सम्मानित किया है, 10-10 रुपए हमारे समर्थ साथियों को सम्मानित किया गया है देवेंद्र ठेकेदार और आलोक जी की तरफ से।
501 रुपए से हमें सम्मान किया है और 10-10 रुपए हमारे समस्त साथियों को सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे। जो ग्राम ओए के रहने वाले बोल वृंदावन बिहारी लाल की, शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे पहले हमें ये बताओ सारी रात तुम कहां रही? तो देवयानी कहने लगी पिताजी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे शिष्य की बेटी शर्मिष्ठा हमें कुएं में धकेल के चली आई और हमें कुएं में ही नहीं बल्कि तुम्हें भिकमंगा बताया। उल्टी सी पिताजी तुम्हारे शिष्य की बेटी शर्मिष्ठा हमें बुलाकर ले गई और उसने हमें कुएं में धकेल दिया, हमें कुएं में ही नहीं बल्कि तुम्हें भिकमंगा बताया। एक बात और बताएं, समझाकर जवाब दिया है पिताजी तुम्हारे शिष्य की बेटी ने हमें कुएं में धकेल दिया और तुम्हें भिकमंगा बताया। शुक्राचार्य बृषपर्वा के राज्य को छोड़ के चल देते हैं। बृषपर्वा को जब यह मालूम पड़ा है कि गुरुजी हमें छोड़ के जा रहे हैं तो बृषपर्वा दानव ने पैर पकड़ लिए और कहा गुरुदेव आप हमें छोड़ के जा रहे हो, हमसे कोई भूल हुई है क्या? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा प्रभु को घट गयो प्रभु ने मारी लात। अगर हमसे भूल हुई है तो आप हमें माफ कर दीजिए। इस तरह से शुक्राचार्य से जब प्रार्थना करने लगा है बृषपर्वा, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा केवल हम एक शर्त पर हमारी बेटी की दासी बनेगी, अगर यह शर्त तुम्हें अगर मंजूर है तो हम तुम्हारे यहां पर रुक सकते हैं। इन्हीं शर्तों के आधार पर शुक्राचार्य ब्राह्मण वहां पर ठहर जाते हैं। बृषपर्वा ने कहा ठीक है गुरुदेव, अब तो मेरे भगवत श्रोताओं
महाराज याति के साथ में विवाह हुआ है देवयानी का। भ्रमरियां पड़ी, ऐसा ही नहीं, मन भावन पिया जी के संग और पढ़न लगी भामरियां, भामरियां मन भावन पिया जी के संग। शादी होने के बाद में जब महाराज याति चले हैं प्रयागराज के लिए, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, शायद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, शादी हुई है। शादी होने के बाद में महाराज याति जब चले हैं प्रयागराज के लिए, तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने महाराज याति को अपने पास में बुलाया और महाराज याति से एक बात कही है, राजन हमारी बेटी के साथ में तुम्हारी शादी हुई है,
राजा की लड़की जो राजकुमारी है वो दासी बन के जा रही है। लेकिन एक बात याद रखना, दासी की तरफ कभी भी गलत नजर उठा के मन देख लेना। महाराज आती बोले हमें कोई मतलब नहीं, दासी से हमें क्या मतलब है। अब महाराज आती शादी करने के बाद में प्रयागराज में आए हैं, देवयानी के साथ में तो स्वयं रहने लगे, दासी के लिए अलग महल तैयार करवाए। दासी अलग महलों में रह रही है, महाराज याति अलग रह रहे। बरसे सी बीत गई लेकिन महाराज याति दासी की तरफ कभी झांकते भी नहीं है। एक दिन घोड़ा पर सवार होकर महाराज याति जा रहे थे, शर्मिष्ठा दरवाजे पर खड़ी थी, दासी ने हाथ का झाला मारा है, जवाब दिया महाराज ठहर जाओ। महाराज याति ठहर जाते हैं, महाराज याति ने कहा बताओ। शर्मिष्ठा बोली महाराज आप हमसे इतनी नफरत करते हो, हमारे घर एक भी दिन नहीं आते हो, आपने भोजन की तो बात छोड़ो पानी भी नहीं पिया। महाराज याति बोले पानी की कौन सी बड़ी बात है, पानी तो हम पी लेंगे। तो शर्मिष्ठा कहने लगी महाराज घोड़ा से नीचे उतर आओ, महलों में बैठकर जलपान कर लीजिए। अब भाइयों राजा की लड़की जो दासी बन के गई थी कि हालातों में महाराज याति को लेकर जाती है। आबत देखे पिया खुशी भौजिया मगन दिल भारी, हो गया हाथ बलम कूले गई घर में शर्म शर्मिष्ठा ने जवाब दिया है महाराज एक बात बताओ, विवाह शादी में जो दहेज मिलता है उस दहेज पर अधिकार किसका होता है। विवाह शादी में जो दहेज में सामान मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है। महाराज याति कहने लगे विवाह शादी में जो भी दहेज में सामान मिलता है
अरे उस पर तो अधिकार अधिकार दूल्हे का होता है और किसका होता है? शर्मिष्ठा कहने लगी, महाराज दहेज में तो मैं भी आई हुई हूं, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब महाराज आती चक्कर में पड़ गए। और भाइयों, अपनी बात में से जो इंसान निकल जाता है उसकी सबसे बड़ी जीत हुआ करती है, और अपनी ही बात में अगर इंसान फंस जाए उसकी सबसे बड़ी हार हुआ करती है। इन्हीं शर्तों के आधार पर महाराज याति शर्मिष्ठा के पास भी आते जाते रहे। भाइयों, हुआ यहां तक कि देवयानी के साथ जो महाराज याति का विवाह हुआ था, दासी के उधर से दो पुत्र, देवयानी के उधर से दो पुत्र हुए और दासी की तीन लला भई। लेकिन देवयानी को बात नहीं मालूम कि हमारे पिया दासी से भी गुल खिला रहे हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज याति देवयानी के कक्ष में बैठे थे। देवयानी के दोनों बच्चे जो यदु तुर्बस थे वो आपस में झगड़ रहे थे, तो महाराज याति को ये बात अच्छी नहीं लगी। महाराज याति कहने लगे, देवयानी तुम्हारे पास जब भी हम आते हैं तुम्हारे ये दोनों बच्चे हमेशा झगड़ा करते ही हमें मिलते हैं। तुम्हारे तो दो बच्चे हैं और दासी के तीन। धोखे से मुंह से तीन शब्द निकल गया, पर जैसी तीन शब्द निकला है वैसी देवयानी समझ गई। बोली, महाराज तुम भूल गए हमारे पिता के वचनों को। चलते वक्त भी हमारे पिता ने तुमसे कहा था कि दासी की तरफ कभी गलत नजर उठा के मन देखना, लेकिन बारे अहीर देवता मुझे नहीं मालूम था। रो करके देवी कहे मेरी फूट गई तकदीर। अरे रो करके देवी कहे मेरी फूट गई तकदीर। देवयानी बोली, महाराज तुम्हारे साथ अब बिल्कुल नहीं रहूंगी, तुम्हारी शिकायत मैं अपने पिता शुक्राचार्य से करूंगी जाकर। महाराज याति कहने लगे, ऐसा मत करो। देवयानी बोली, नहीं गए भूल पिता की बात करी संग घात नाए रही पाऊंगी।
अत्री बोली, महाराज अब मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ में। दो उलना उठाए, एक जा बगल में दबाओ, एक बा बगल में दबाओ, और देवयानी हुवन से चली शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास जाके रोने लगी, रोने लगी जाकर, पिताजी गजब हो गया, पिताजी में तो बर्बाद हो गई। बड़ी बावरी है, क्यों? ससुराल में गई जी, थोड़ा सा कष्ट मिला तो रोए क्यों रही बिटिया? रोने की तो बात है, इसलिए मैं रो रही हूँ। अरे हमारे दामाद से कोई गलती हुई हो तो मुंह से बताओ, रोए क्यों रही? मैंने गलती नहीं, गलता क्या है पिताजी, गलता? गलता जी, गलता क्या होता है? गलता ये होता, गलती से बड़ा गलता होता है, पिताजी हमारे तो दो बच्चे लेकिन दासी के तीन। तुम्हारे दो बच्चे हैं, दासी के तीन हैं। तीन, तीन। बारे अहीर, चलते वक्त भी मैंने तुझसे कहा था कि दासी की तरफ गलत नजर उठा के मन देखना, लेकिन तेने हमारे वादे को ठुकरा दिया। बेटी रोए मत तू, अब मेरे भगवत श्रोताओं, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कमंडल में से जल लिया और महाराज यात्री को श्राप देने लगे। राजा अयाति, तेने जिस योवन के घमंड में आकर मेरे वादे को ठुकरा दिया है और मेरे वादे को तू भूल गया, लेकिन मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। कि जिस योवन के मद में तूने और मेरे वायदे को तोड़ा है, और जिस योवन के मद में तूने दासी से रिश्ता जोड़ा है, राजा याति, तेने हमारे वादे को ठुकरा दिया और मैं तुझे श्राप देता हूं। मैं कहता हूं उस योवन को अब तेरा ही मद खाए जाए, रहे पाए भरत की शक्ति तुझे आज ही बुढ़ापा आ जाए। तेने जो हमारे वादे को ठुकरा दिया है और मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा, तेरे ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा। देवयानी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ पाया, लेकिन भाइयों महाराज याति के ऊपर बुढ़ापा आ गया। अब तो महाराज याति 80 साल के बुढ़ा बन गए, बाल सफेद पड़ गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कमर झुक के कमान हो गई, खांस खांस के चबन्नी अठन्नी बनात रहते हैं। महाराज अयाति के ऊपर बुढ़ापा आ गया। देवयानी कुछ समय तक तो वहां पर रही है और उसके बाद में जब लौट के आई है तो पति को बड़ो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त छोड़ के गई हती, लेकिन आए के देखो तो उनको तो मॉडल ही चेंज हो गई। और देवयानी ने जैसी देखो उस देवयानी बोली, क्यों ये तुम्हारी दशा क्या हुई? क्यों क्यों
अब पूछ रही हो ये दशा क्या हुई, तब तो मैंने आपको रोका, तब तो आप आधी की तरह अर्राटे पे चली गई, अब पूछ रही हो क्या हुआ। तो मैंने अपने पिता से ये कब कहा था कि तुम्हें बुढ़ा बना दिया जाए। तब अब कोई उपाय सोचिए आप। तुम्हें जा देते थी ना। ना मेरा ठसा में कैसा निकल जाएगा, कुछ उपाय सोचिए। चलो तुम हमारे साथ में चलो। चलिए। और मैं अपने पिता से जाकर तुम जैसे थे वैसे ही बनवाऊंगी। अब देवयानी फिर लेके गई महाराज याति को। शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में पहुंच जाती है और शुक्राचार्य पंडित जी के पास जाके फिर रोने लगी। पिताजी। अरे अब काय को रो रही है। अब मैं इसलिए रो रही हूँ, ये बताइए मैंने आपसे ये कब कहा था कि मेरे पति को आप बुड्ढा बना देना। नादान लड़की, क्यों पहले तू मेरे पास में आकर रोई? हाँ। और मैंने अब श्राप दे दिया। हाँ। अब इस बुड्ढे को क्यों ले भागे। ऐसी कोई ना चिल्ला दो पही पही लड़ने पे जैसे तुम मुंह पे चिल्ला दो। पिताजी एक बात बताऊं, अगर मेरे पति हते तैसे ही आपने नहीं किए तो मालूम मैं क्या करूंगी। क्या करोगी? मैं हाँ। मैं बताऊं क्या करोगी। मैं जे चुरिया, जे बिछिया, जो साड़ी, जो तोड़िया उतार के सिर्फ तुम्हारी देहरी पे के कुछ लिखे सफेद साड़ी पेंद की लौट जाऊंगी। जवाब दिया है बेटी पागल मत बन, अब कोई उपाय नहीं है, केवल एक उपाय है। बोलिए। इन बुढ़े का कोई हितु रिश्तेदार या कोई इनका पुत्र अगर बदले में इन्हें जवानी दे दे जी। तो ये कुछ समय तक तो जवान हो सकते हैं, इनकी इनका बुढ़ापा उधर जाएगा, उनकी जवानी इनके ऊपर आ सकती है। अच्छा ट्रांसफर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो काय बैठो। चलो चलो। देवयानी फिर लेके गई है, महाराज याति ने के यज्ञ का अनुष्ठान रचाया है और उस यज्ञ में अपने हेतु यार रिश्तेदार व्यवहारी हितकारी सबको बुला लिया। और बुलाने के बाद में महाराज याति ने सबसे कहा, कोई ऐसा है माँ का सपूत जो बदले में हमें जवानी दे दे और हमारे बुढ़ापे को ले ले। सब एक दूसरे को मुंह देखने लगे, सोचने लगे भैया इनकी दावत के चक्कर में बताओ इनको बुढ़ापो ले अपनी जवानी दे। भैया हमें दावत नहीं खाए में। अब सब दावत को छोड़ छोड़ के चल दिए, लेकिन महाराज याति को किसी ने अपनी जवानी नहीं दी। देवयानी के दो पुत्र थे तो देवयानी के यदु और तुर्बुस जो दो पुत्र थे उनसे कहा है, उनने भी मना कर दिया, पिताजी मैं अपनी जवानी नहीं दूंगा। दासी के तीन पुत्र थे, बड़े बड़े वाले जो दो पुत्र थे उनसे पूछा है, उनने मना कर दिया। अंत में कोई भी महाराज को जवानी देने के लिए तैयार नहीं है। और भाइयों जवानी दे भी कोई कैसे सकता है, क्योंकि बाबा कबीर दास लिख रहे हैं एक बहुत सुंदर दोहा।